मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम इस गमजदा ख़ानदान के घर में आए हैं अजमत सेंटर ईसा नगरी में, और बड़ा ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या यहाँ रूनुमा हुआ है कि इनकी 25 साल बेटी मिशेल जो चेज़ब में काम करती थी, वहाँ एक दरिंदा शख्स इंसान ग़ुलाम हसन जो था उस बच्ची को तंग करता था, और बच्ची उस खौफ की वजह से नौकरी छोड़ के घर पर बैठ गई, और घर पे बैठने के बाद वो अपने भाई हसनैन और दूसरे गुंडों के साथ धन धनाते हुए 8 अप्रैल को यहाँ आया और गन पॉइंट के ऊपर इनकी बेटी को लेकर अपने साथ चला गया। ये देखिए, मसीही कौम को जाग जाना चाहिए। मैं मसीही अवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा ये देखें कि किस तरह की बर्बरियत है। अगर पुलिस या अदारे या लोग अगर ये समझते हैं कि 25 साल बच्ची की अपनी मर्जी थी, तो मुझे बताएं, आजकल मोबाइल है, बच्ची को वो फ़ोन करके बाहर बुला के निकाह कर सकता था, और घर में आके बच्ची को गन पॉइंट पे ले के जाना ये सफाकियत है, ये अगवा है, ये बच्ची की मर्ज़ी नहीं है। अगर बच्ची की मर्ज़ी होती तो बच्ची और तरीके से भी जा सकती थी, उसको कौन रोकने वाला था। फिर उसके 3 दिन के बाद इनकी वालदा को गुल प्लाजा में पार्किंग एरिया में बुलाकर कहा गया कि शनाख्ती कार्ड हमें दें। अब आप मुझे बताएं, अगर बच्ची की मर्ज़ी है तो फिर शनाख्ती कार्ड या दूसरे भाइयों की शनाख्ती कार्ड की क्या ज़रूरत है। हम SHO PIB को भी और पुलिस के अला हुकाम को भी कहते हैं कि खुदारा इस जाविये से देखें, आप कानून के महाफ़ज़, आप ये मत देखें कि जी उस बच्ची ने निकाह कर लिया। निकाह कैसे कर लिया? अगर निकाह उसकी अपनी मर्ज़ी से होता तो फिर उसको घर से अगवा करके लेके जाने की क्या ज़रूरत थी, उनके घर वालों को धमकियाँ देने की क्या ज़रूरत थी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 2-3 दिन के अंदर अगर पुलिस ने एक्शन लेके उन दरिंदा सिफ्त इंसानों को गिरफ्तार ना किया और बच्ची बाजियाब ना कराई, तो पीर से हम पूरे पाकिस्तान में और एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। हम अपनी बेटी को ऐसे जाने नहीं देंगे। और ये बेशक उसका मामू जो अब रशीद भट्टी के नाम से जो पुलिस में है उसकी धमकियां देता है कि मैं रेंजर भी आ जाए, कुछ भी करें, तो हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा बदमाश है। और मैं पुलिस वाले हुकाम से भी कहता हूँ कि खुदारा इनके FIR इंदराज करें और मुलजिम को गिरफ्तार करें। इसमें बच्ची की कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि हमने आपके सामने हकायक रखे, बच्ची 25 साल है, और अगर उसकी अपनी मर्जी होती तो उसको कौन रोक सकता था, वो बाहर से भी जा सकती थी, तो वहां से निकाल करके तो कागजात भेज सकती थी, और फिर उनके घर वालों में पास आके पिस्टल दिखा के धमकियां दे के अगवा करके डरा धमका कर ले जाना, ये बच्ची की मर्जी नहीं है। तो खुदारा आप इस चीज को देखें, वरना याद रखें फिर मसीही कौम अपना एहतजाज करने में हक बजाने होगी।